नमस्कार, मैं हूं अनुष्का अग्रवाल। जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। जहां है आपकी नजर, वहां है जेएनआई की खबर। बाराबंकी से इस वक्त की बड़ी खबर, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। बाराबंकी के तहसील सिरौली गौसपुर ग्राम ओटावा में श्री किशन के घर की जमीन पर लेखपाल की मिली भगत से मदन यादव व ईश्वर दीन के परिवार वालों ने दबंगई से पीड़ित के घर किया कब्जा। पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा, लेकिन पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अब वह मीडिया की सहायता से शासन प्रशासन से मदद की गुहार मांग रहा है। आइए देखते हैं रवि वर्मा की खास रिपोर्ट। दादा का नाम क्या है? श्री किशन। आप किस गांव के निवासी हो? गांव का नाम बताओ अपने। उटवा। अच्छा, आपके साथ जो है क्या वारदात हुई है? आपका जो घर था उसकी जमीन जो थी आपकी, तो कैसे क्या मामला हुआ है? अरे बहुत मारे दौरे हैं। मारे दौरे हैं और 12 साल क्या पटवारा है, हम लेगी तुम नहीं। जमीन जो है वो आपकी जमीन थी, तो उस पर क्या किया है लोगों ने, कैसे ले लिया है? जबरदस्ती किया, दोस्ती ले लिया है। अच्छा, कौन कौन ले लिया है? मैं लिखा पढ़ी कौन है दादा, किसने जमीन लिया है आपकी जबरदस्ती? नाम बताओ उनका। मदन। कौन चौधरी है? यादव। मदन यादव लिया है। अच्छा अच्छा, कब से कब्जा कर लिया है? अरे कब्जा ज्यादा दिन से, कितने दिन से? करीब करीब 5-6 महीने। 5-6 महीने से लिया है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत कहीं की है? तुम शिकायत कहूँ किए हो? हम शिकायत नहीं कर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शंकर रावत है। अच्छा, आपके जमीनी विवाद है, कैसे क्या, पूरी बात बताइए। हमारे पिताजी से जबरदस्ती अंगठा लगवा लिया कि तुमको हम आवास देंगे। आवास के बहाने से इन्होंने अंगठा लगवा लिया, उसके बाद मकान पे कब्जा कर लिया। मकान कब्जा कर लिया? मकान पे कब्जा कर लिया। कितने दिन पहले कब्जा किया है? इनका कब्जा करने हो गए हैं लगभग में 4-5 महीना। अच्छा, क्या जो है आप जैसे किसी अन्य लोगों को भी कब्जा कर लिया इस तरीके से? अरे हाँ, इस तरीके से तो कई लोगों को इन्होंने जमीन लिया है। जमीन ले लिया है तो कब्जा कर लिया है। ये प्रधान है, इसीलिए आवाज देने के लिए कब्जा की। ठीक, ये प्रधान है। ठीक, आपका नाम क्या है? बैजनाथ। आप कहाँ के निवासी हो? ग्राम उटवा के। आपके जो पिताजी हैं और छोटे भाई हैं यहाँ पर रहते हैं। हाँ। ठीक है, तो जमीनी प्रकरण कुछ विवाद है, क्या मामला, पूरी बात बताइए। ग्राम प्रधान 5-6 महीना पहले इन्होंने सब कब्जा कर लिया। कैसे? जबरदस्ती में। अच्छा, ये क्या कुछ लिखा पढ़ी भी कराया है? नहीं, लिखा पढ़ी कोई नहीं है। हाँ। वो अपने हाथ से बैठ करके लिखा पढ़ी कर लिए। अच्छा अच्छा, आप इसकी शिकायत कहीं की है? हमने एसपी के पास शिकायत की है, मुख्यमंत्री के पास की है, और हमने एसडीएम के पास की है। जी, सबके पास कुछ सुनवाई हुई के बारे में? कहीं से सुनवाई हमारी नहीं हुई। अच्छा, सुनवाई नहीं हुई है। लेखपाल आया था कुछ जांच करने के लिए? कोई नहीं आया। लेखपाल और ग्राम प्रधान ही दोनों रिश्तेदार हैं। अच्छा, इसी मिली भगत का केस है? इसलिए मिली भगत का केस है, और हमारी माता जी को भी मारे थे। जी सर, ठीक। अच्छा, ये चीज़ पूछना चाहेंगे, आप ये मीडिया के माध्यम से आप शासन प्रशासन से क्या मदद चाहना सर? हमें हमारा मकान वापस मिलना चाहिए, जो हमारा पुश्तैनी है। जी।